हिंगनघाट तालुका के काजासर में कल रात के समय काजासरा निवासी अभय चंद्रदास उइके उम्र 10 वर्ष सड़क पर चल रहा था, तब बिजली डीपी के करंट की चपेट में आ गया और वह करंट की चपेट में आते ही बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। बिजली विभाग के अनियमित कामकाज का शिकार एक 10 साल का लड़का हुआ है, जिसे तुरंत इलाज के लिए हिंगनघाट के उप जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए उसे सेवाग्राम स्थानांतरित कर दिया गया। फिलहाल हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन बरसात के मौसम में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक बड़ी घटना घट गई और इससे भी बड़ी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। इस संबंध में घटना की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के इंजीनियर ने भी सेवाग्राम स्थित अस्पताल का दौरा कर जानकारी ली है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बरसात के मौसम में कालसरा गाँव में एक बड़ी घटना घटी है और नागरिकों ने बिजली विभाग के खिलाफ भारी विरोध जताया है। इनविजन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।